शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर मैं मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल और यूपीए के 10 साल के शासन की तुलना करता हूं, तो आतंकवाद के मामले यूपीए में ज्यादा आए हैं। सुनिए केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा। सालों से अलगाववाद की भावना खड़ी करने वाली धारा 370 और 35 ए को हमने हिम्मत कर समाप्त कर दिया। ढेर सारे मीडिया के लोग, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टियां और ढेर सारे एक्सपर्ट्स का एक नैरेटिव बनाया हुआ था, 370 जब हटाएंगे तब कश्मीर को कोई शांत नहीं रख सकता। मैं आप सबके सामने आनंद और गर्व के साथ बताता हूं, एक भी गोली चलाए बगैर हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया। मैं अभी के मोदी जी के शासन के 10 साल और यूपीए की सरकार के 10 साल, ये दोनों के तुलनात्मक आंकड़े आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। 2004 से 14 के बीच में हिंसक घटनाओं की संख्या 33,000 थी और 2014 से 23 के बीच में 9 ही साल में वो घट 62% घटकर 12,466 तक हम सीमित कर पाए हैं। कुल मृत्यु नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सेस के 11,900 थे एक डेकेड के अंदर और इस डेकेड के अंदर 3,276 मतलब 72% डिक्रीज हमने रिकॉर्ड पर दर्ज किया है। ये बताता है कि ये पूरे क्षेत्र के अंदर शांति है। जम्मू के अंदर सालों से अलगाववाद की भावना खड़ी करने वाली धारा 370 और 35 ए को हमने हिम्मत कर समाप्त कर दिया। ढेर सारे मीडिया के लोग, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टियां और ढेर सारे एक्सपर्ट्स का एक नैरेटिव बनाया हुआ था कि 370 जब हटाएंगे तब कश्मीर को कोई शांत नहीं रख सकता। मैं आप सबके सामने आनंद और गर्व के साथ बताता हूं, एक भी गोली चलाए बगैर हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर के अंदर 30 साल से थिएटर नहीं खुले थे, 30 साल से मोहर्रम का जुलूस नहीं निकला था, 30 साल से एक भी हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन नहीं बना था। वो कश्मीर के अंदर आज थिएटर भी खुल चुके हैं, हायर एजुकेशन के 16 से ज्यादा इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं और मोहर्रम का जुलूस भी चालू हुआ है और 2 करोड़ भारतीय और विदेशी नागरिक कश्मीर में टूरिस्ट के नाते एक साल में जाते हैं। और कश्मीर के अंदर हमने कई सारे लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया। आज वहां पर 30,000 से ज्यादा लोकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी कम्युनिटी को और अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे यहां त्रिस्तरीय डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, पंचायत और लोकल अर्बन बॉडी के अंदर 30,000 से ज्यादा लोग चुन कर आए हैं जो आज कश्मीर का भविष्य खुद ही गढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ कई सारे बैकवर्ड कम्युनिटीज, महिला, गुर्जर बकरवाल, पहाड़ी, युद्ध शरणार्थी, ये सभी को संवैधानिक अधिकार मिला और भारत के 100 से ज्यादा कानून जो कश्मीर में अप्लाई नहीं हुए थे वो सारे कानूनों को 370 हटाकर हमने कश्मीर की जनता के लिए मुहैया कराए, जिससे कश्मीर का डेवलपमेंट आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।